हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिनस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपके नॉलेज को एनहेंस करने। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाइए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने एंड्रॉयड स्क्रीन को एज ए कंप्यूटर स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक वायरलेस माउस है जिसे हम यूज़ में लाने वाले हैं। सेकेंड चीज़ है, हमारे पास एक वायरलेस कीबोर्ड है और इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ब्लूटूथ है। ये एक ब्लूटूथ है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। हम इसे प्रॉपर एडजस्ट कर देते हैं और बिठा देते हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में OTG को परमिशन देना होगा। ओके, तो ये मैंने पहले से OTG अलाउ कर रखा है अपने एंड्रॉयड स्क्रीन को। ओके, तो मैं अब जैसे मैं देख सकता हूँ कि मैं इसे प्रेस करता हूँ। ओके, आप देख रहे होंगे ये हमारा स्क्रीन ऑन हो गया है। ओके, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करेगा, इसमें लॉक सिस्टम लगे हुए हैं। हमने इसमें लॉक पैटर्न लॉक या फिर आप न्यूमेरिक लॉक, जो आप लॉक लगाना चाहें लगा सकते हैं एज इट इज़। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें एक आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा जो कि माउस को मूव कराने पर मूव होता है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसमें आपको बताता हूँ कि ये हमारा माउस और कीबोर्ड मिलकर एक कैसे काम करता है। हमने गूगल ऑन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्रीन ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप इसमें इस अरेंजमेंट के हेल्प से आप व्हाट्सएप में मैसेजेस टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यूट्यूब में कुछ सर्च कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ओके, आप किसी तरह का टेक्स्ट मैसेज को टाइप कर सकते हैं और आप माउस को घुमा करके किसी भी जगह पर आप इसे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जैसे आपको कुछ टाइप करके बताना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए टाइप करता हूँ एक कुछ भी, जैसे एक आसूस कंपनी है आप जानते होंगे, मैं उसको टाइप करता है। मैं आसूस टाइप करता हूँ फ्रेंड्स और मैं इंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कभी कहीं भी कीबोर्ड और माउस के अलावा स्क्रीन पर टच नहीं किया है, फिर भी ये ऑपरेट हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इस तरह ऑपरेट हो रहा है एज इट इज़ कंप्यूटर की तरह। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका पेज भी ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। और मुझे अगर इसे काटना है, यहाँ से पेज से हटना है, तो फ्रेंड्स मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, बट इस केस में ये काम नहीं कर रहा, तो मुझे माउस की हेल्प लेनी पड़ेगी और यहाँ पर कर्सर ले जाकर इसे क्रॉस कर पर निशान पर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं किसी का नाम टाइप करता हूँ फ्रेंड्स, राम टाइप कर सकता हूँ फ्रेंड्स, राम KUMAR कुमार टाइप कर सकता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ वो हमारे स्क्रीन पर वो हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहता हूँ कि ये इस अरेंजमेंट को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक वायरलेस कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड चीज़ है हमारा ये एक माउस की ज़रूरत पड़ेगी, वायरलेस माउस की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है, इन कीबोर्ड और माउस के साथ साथ आपको ये एक ब्लूटूथ आता है, एक कम्बाइंड एक पैकेज ही है, वो हमें मिलता है साथ में। हमें डिवाइस को इन दोनों आउट इनपुट से कनेक्ट करने के लिए, इसके साथ साथ अगर आप मोबाइल में इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एक OTG की ज़रूरत पड़ेगी, OTG टू USB कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमें मोबाइल से OTG कनेक्ट हो जाता है। ये OTG हमारा एक डिवाइस है और OTG के थ्रू आप इसे ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए, ये एक हमारा ब्लूटूथ छोटा सा डिवाइस है, USB 2.0 कनेक्टर है इसमें अवेलेबल, एक ब्लूटूथ डिवाइस है। इसे आप पहले OTG में कनेक्ट करेंगे एंड OTG को आप मोबाइल से कनेक्ट करेंगे।
और फ्रेंड्स मैं एक स्टैंड यूज़ किया हूँ, एक छोटा सा मोबाइल स्टैंड यूज़ किया हूँ, सिंपल सा है। आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, इसमें कोई एबिलिटी नहीं होने की ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ अवेलेबल हो जाता है। आप इसे ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी आप इसे कर सकते हैं, अब अपने व्यू के अनुसार आप इसको घुमा सकते हैं, राउंड कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको रखना चाहे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको एक कीबोर्ड की, हमारे ये कीबोर्ड है हमारा वायरलेस कीबोर्ड, इसमें दो बैटरी लगती है फ्रेंड्स, ये देखिए दो, इसमें दो बैटरी लगती है। एंड फ्रेंड्स ये हमारा एक ब्लूटूथ डिवाइस है, रिसीवर है एक तरह का। और फ्रेंड्स ये है हमारा एक माउस है, वायरलेस माउस है, इसमें भी हमें दो बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, हमें यहाँ पर भी दो बैटरी लगी है, ऑप्टिकल माउस है ये। फ्रेंड्स फिर इस वीडियो में इतना ही, अगर आप किसी और वीडियो को जानने या बनाने की इसके इंफॉर्मेशन की इच्छुक हैं तो आप हमें प्लीज़ कॉमेंट कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।